Assalamualaikum students, welcome to the computer class for class 1. Now take out the page number 14 and start the reading. First one is keyboard. Keyboard has small buttons. Keyboard ke small buttons hote hain on it keyboard ke upar. These are called keys, jinko keys kaha jata hai. It has alphabet keys. इन में अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ एंड स्पेशल कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी होती हैं? ए बी सी डी वाली. नंबर कीज़ यानी 1, 2, 3 and 4. एंड स्पेशल कीज़ और कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं. विथ कीज़ यू कैन टाइप अल्फ़ाबेट. इन कीज़ की हेल्प से आप अल्फ़ाबेट्स को एंड नंबर्स को टाइप कर सकते हो. देयर इज़ अ कीबोर्ड गिवन बिलो. आपको नीचे कीबोर्ड दिया गया है, दिस वन. कलर द कीज़ विच हैव लेटर्स ऑफ योर नेम विद रेड. अब आपने यहाँ पर कलर करने हैं अपने नेम के अल्फ़ाबेट्स को, लाइक इमान EMAN या एमन EIMAN एमन. एंड राइट इन द मोनिटर और मोनिटर पर लिखना है. नाउ नेक्स्ट वन इज माउस. दिस इज़ अ कंप्यूटर माउस. ये एक कंप्यूटर माउस है. इट हैज़ अ लॉन्ग वायर अटैच्ड. इसके साथ एक लॉन्ग वायर जुड़ी होती है. अटैच्ड मीन जुड़े होना. इट हेल्प्स टू पॉइंट थिंग्स. ये आपकी मदद करता है चीज़ों को पॉइंट करने में ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर. नाउ टेक आउट योर वेकेशन टास्क. थर्ड वीक मंडे. क्वेश्चन नंबर 3. विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज इट्स ब्रेन. कंप्यूटर का कौन सा पार्ट उसके दिमाग के तौर पर जाना जाता है. आंसर है CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. CPU कंप्यूटर का दिमाग है. ट्यूसडे विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स यू टू टाइप. आप कंप्यूटर के किस पार्ट की हेल्प से टाइप कर सकते हो. करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड हेल्प्स यू टू टाइप. कीबोर्ड की मदद से आप टाइप कर सकते हो. सैटरडे रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3 and 4. सैटरडे को आपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की रिवीजन करनी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.